देखो ये होते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष, ये कच्चे। अब ये इनको तोड़ के घिसते हैं तो ये इस टाइप के निकलेंगे। ये वो नदी है जो राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान नहीं किया था। ये इस टाइप के प्रसाद आएंगे 50 रुपीज के। और ये वाला पौवा यानी कि दारू, देसी दारू है ये 100 रुपीज की आपको मिल जाएगी। मैं जा रही हूँ उज्जैन महाकाल, तो मैं आ गई हूँ बोरीवली स्टेशन पे। तो क्योंकि मेरी ट्रेन है बोरीवली से 9:30 बजे की और हमें वहाँ उतारेगी 6:30 पे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं जितना कम से कम हो सकता है ट्रैवल फूड वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस बताऊँगी क्या होता है वहाँ क्या नहीं। तो वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी सारा बजट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो अब ट्रेन का वेट कर रहे, ट्रेन आएगी फिर चढ़ते हैं, तो ट्रेन में मिल जाएगा। हमारी ट्रेन आ चुकी है तो चलो चलते हैं अंदर। अभी एक एक जन चढ़ रहे हैं। ट्रेन में काफ़ी रश थी अंदर और ट्रेन में अलाउड नहीं है पत्ते खेलना, बट ये लोग खेल रहे। खैर कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं अब आगे। अभी ट्रेन में जस्ट चढ़े तो रोहन भाई का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलो आप भी एंजॉय करना। ये चला कला लोकर, हाँ बीच में आ जाओ, या तो यहाँ जाओ आप अकेले कोने में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल ये लिए आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई भाई छोटा छोटा सी काढ़ो निकालो थोड़ा सी। एक काम करेंगे, तुम कैमरा ले लो। चलो आराम से खाना खा। हम आ चुके हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन का लुक तो बहुत ही अच्छा है, मंदिर लुक बनाया है इन लोगों ने। उज्जैन स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर का डिस्टेंस है 1 से 1.5 किलोमीटर, आप वॉकिंग डिस्टेंस भी जा सकते हो। यहाँ पर शेयरिंग ऑटो भी मिलती है, पर पर्सन का 20 रुपीज़ लेते हैं, मंदिर के बाहर ही आपको छोड़ देंगे। अभी हम लोग हो गए रेडी मंदिर जाने के लिए। ये बस बैक साइड में ही हमने होटल लिया है। सुबह सुबह हमें यहाँ पर आते आते ट्रेन क्योंकि लेट थी, 8 बजे हम यहाँ पहुँचे, फिर ब्रेकफास्ट किए, बस नहा धो के अब रेडी होके बस मंदिर की ओर चल रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर मार्केट वगैरह कैसी है, तो चलो देखते। कैमरा मंदिर में अलाउड नहीं है तो मैं बाहर से ही मंदिर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, तो चलो चलते। हमारी होटल इस रोड पे थी, फिर हम यहाँ से आके यहाँ से मंदिर का रास्ता स्टार्ट होता है, तो इतनी भी रश नहीं है बट है ठीक ठाक रश है। यहाँ पर बहुत से छोटी छोटी मंदिर है, तो जिसको करना है सब मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसा जिसके पास टाइम है वैसे।
सब बारी बारी से टीके लगा रहे हैं यहाँ पर, अब इनकी बारी है। रूपाली मस्त मैचिंग हो गया साड़ी से, मस्त लग रहे हो। ये रहे आंटी ने भी लगा लिए टीका। मेरे बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर जाने का रास्ता, तो चलो आओ चलते हैं साथ में। सब लोगों ने बड़ा बड़ा टीका लगाया, एक्चुअली वो हल्दी का रहता है ना तो डार्क रह जाता है, तो मेरे स्किन थोड़ी अजीब है तो मैंने ये छोटा सी लगाया। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। चलो ये व्हाइट कलर का तंबू दिख रहा है, आप इसमें फ्री में अपने चप्पल जूते और बैग भी रख सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं मंदिर के गेट पे, यहाँ से दर्शन की लाइन स्टार्ट होती है, यहीं पर मोबाइल जमा हो जाएगा तो मैं वीडियो आगे नहीं बना सकती हूँ। दर्शन करने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। फाइनली हमारे दर्शन हो गए, क्योंकि फोन अंदर अलाउड नहीं था, बट एक भैया के पास फोन था तो हमने अंदर भी फोटो खिंचाई है, तो वो स्क्रीन पे लगा देंगे हम, तो देख लेना आप भी दर्शन करना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। हम बहुत सोचे थे कि मतलब बहुत घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही दर्शन हो गए। तो चलो देखते दूसरे लोग हम लोगों के साथ है तो उनका एक्सपीरियंस देखते क्या। चलो कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, मन पूरा शांत हो गया, मतलब एक इच्छा पूरी हो गई, आना था दर्शन में। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो मेरी ड्रीम थी यहाँ पे आने की, बहुत दिनों से चल रहा था बट मेरा हो नहीं पा रहा था, किसी कारणवश कुछ ना कुछ तो काम निकल रहा था और आ नहीं पा रहा था, या मे भी शायद महाकाल का बुलावा नहीं आया था हमारे लिए, जो अभी आज पूरा हो गया है। और मुझे लगता है हर किसी ने एक बार तो महाकाल आना चाहिए अपनी सुख शांति के लिए, और यहाँ आने से ना आपका पूरे थॉट्स ही बदल जाएंगे। तो मेरे आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपने एक बार तो महाकाल का दर्शन लेना ही चाहिए। यहाँ की शिवलिंग भी बहुत अलग है और यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिवनेस भी बहुत बढ़ जाती है, सो एक बार तो आना चाहिए। तो एक बार यहाँ पर जरूर आना है, गर्दी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बहुत जन बोलते हैं इतने इतने घंटे हमें लाइन में खड़े रहना पड़ता है, ऐसा नहीं, बस 15 से 20 मिनट में ही दर्शन हमारे हो गए। तो चलो देखते, अब लगी है भूख तो खाने की होटल वगैरह देखते क्या है, चलो देखते क्या खाते क्या प्राइस है। आ जाओ, होटल में खाना खाया, खाना तो टेस्टी था बट कड़ी हम लोगों को समझी नहीं। खैर कोई नहीं, अब आगे बढ़ते। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं काल भैरव मंदिर, यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता और कैसे जाते। वीडियो में बने रहना, एंड तक ज़रूर देखना। और एक चीज़, उससे पहले मैं यहाँ पर खाऊंगी फेमस शॉप से साबूदाना खिचड़ी, तो देखते हैं कैसी है और शॉप भी दिखाती हूँ। अभी हमने लिए साबूदाना खिचड़ी, ये एक बाउल 25 रुपीज़ की मिली है, गरम भी है तो टेस्ट करते। अच्छे स्पाइसी में, एकदम कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब ऐसे एकदम लाइट है, सही है। तो इस शॉप से लिया है हमने ये, इनके पास कचौरी भी है, समोसा भी है, पोहा भी है, गुलाब जामुन भी है। हाँ।
अब हमने की है रिक्शा, पर्सनल रिक्शा है, पांचों भी बैठ गए इसमें। हम जा रहे हैं काल भैरव, तो देखते हैं वहाँ जाके आप लोगों को, अगर मोबाइल अलाउड रहेगा तो वहाँ आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। चलो अभी हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर के। यहाँ पर हमने ये वाला रिक्शा हायर किया है, पांच लोग हैं हम लोग, तो आने का 100 रुपीस लेते हैं और जाने का 100 रुपीस, तो ये हमने आने जाने का फिक्स करके ही लेकर आया है। तो ऐसे ही फिक्स करके लेकर आना तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा साधन मुझे दिख नहीं रहे, तो चलो चलते। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से जा रहा है हमें अब अंदर, देखते कितनी दूर है। यहाँ पर प्रसाद में ड्रिंक चढ़ाई जाती है, तो जो चढ़ाना चाहता है वो चढ़ा सकते हैं। यहीं पर मिल रही है प्रसादों में ना ड्रिंक, ये इस टाइप के प्रसाद आएंगे 50 रुपीज के। और ये वाला पौवा यानी कि दारू, देसी दारू है ये 100 रुपीज की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर चढ़ावा, यही चढ़ावा होता है, तो ये प्रसाद है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ये तो 65 है। ये इनका फोटो सेक्शन चल रहा है, ये है मेन गेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारे बैरियल में ना ये इस टाइप के तागे बांध रखे हैं, इस टाइप के, ये आई थिंक मन्नत के ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इतने बांध रखे तो मन्नत के ही होंगे। चलो हम सब एक एक करके फोटो खिंचाते फिर अंदर चलते। अब लाइन लगा के हमें दर्शन मिलेगा, बहुत रश हो रही है, मतलब इतनी भी नहीं है, ठीक है। अब ये पार करने के बाद अंदर दर्शन मिलेंगे, सब एक साथ ही रहो। ये दिखा रहे अभी नहीं लूंगा इसके अस्तित्व से। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ चल रही है लाइन। आप लोगों को दिख रही होगी काल भैरव जी की मूर्ति, तो जिसे करना है दर्शन कर लो। बहुत ही अच्छा इन लोगों ने सिंगार कर रखा है, इनका दर्शन हो गया बहुत अच्छी तरीके से। एक्चुअली सभी कंफ्यूज है, दो साइड से एग्जिट नहीं है, आपको यहाँ से आना है और यहाँ से रास्ता बना है। अभी बोल रहे हैं ये न्यू रास्ता है, वो बैक साइड का बंद हो गया, सारे जन कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब हमने ये पापड़ लिया है, क्योंकि मैंने अजमेर में भी खाया था, ये अच्छा लगता है मुझे, ये चावल का होता है। तो दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं रिटर्न ऑटो में बैठने। चलो अब हम निकले हैं मार्केट घूमने के लिए, तो चलो देखते हैं यहाँ की मार्केट कैसी और क्या क्या मिलता है। कोई भी ले लो, येलो ऑरेंज जो सही लगेगा सब, है ना, कोई भी लो ना, अच्छा लगेगा। हाँ ये भी अच्छा लगेगा, ये इस टाइप वाले स्कार्फ 70 रुपीज में यहाँ मिल जाएंगे। ये बता ना, और बहुत से टी शर्ट्स वगैरह में भी प्रिंट हो रहे हैं, बच्चों के भी छोटे छोटे से कुर्ते हैं, या बच्चियों की छोटी सी चनिया चोली भी है। भाई ये कुर्ते कितने के हैं? ये 100 रुपीज में प्रिंटेड कुर्ते मिल जाएंगे, और वो पीछे जो
अलग फैब्रिक है थोड़ी सी, मतलब 70 रुपए से थोड़ा सी एक फैब्रिक ऊंचा, वहाँ पर 100 रुपीज में है वो सारे, ये है ना ये कलर्स, ये 100 रुपीज में मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के धोती है, ऊपर शर्ट है, तो इस टाइप की बहुत से दुकानें कम भी करके यहाँ मिलते हैं। ये इस टाइप के इतने क्यूट क्यूट मंगलसूत्र भी है। ये बड़ा वाला कितने का है? 100 रुपए का। ये 100 रुपीज का है, बड़ा वाला है, साड़ी वगैरह पे बहुत प्यारा लुक। और ये छोटा वाला? वो भी 100 में दो दे। अच्छा, ये 150 में दो दे देंगे, कोई भी ले सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर है मंगलसूत्र। ये 50 रुपीज में सेल है बैगों का। ये सब छोटे वाले ही 50 रुपीज में, ये सारे हम दूसरे सोचे ये बड़े वाले होंगे, बट ये नहीं, बस ये छोटे छोटे वाले 50 रुपीज में। ये देखो ये होते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष, ये कच्चे, अब ये इनको तोड़ के घिसते तो ये इस टाइप के निकलेंगे। कौन से भी मुखी निकल सकते हैं ना भैया। हाँ, कितने का है ये? 50 का एक है, 2 के 3। अच्छा, 50 रुपीज का एक मिलेगा और 100 के 3। ये 30-30 रुपीज में यहाँ सेल चल रहा है। और ये कड़े 100 रुपीज, 50 रुपीज, अच्छे अच्छे डिजाइन है। अभी हम आए हैं शिप्रा घाट पे। एक्चुअली हमें आरती नहीं मिली, हमारी गलती की वजह से, हम लोग थक गए थे तो सोने लग गए। तो यहाँ का माहौल इस टाइप से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शांति बहुत है, बहुत अच्छी आरती होती है मैंने सुना है यहाँ पर। बट वी मिस, ये वो नदी है जो राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान यही किया था। तो चले चलते अब आगे। हम आ गए हैं कॉरिडोर, दिन में हम नहीं आए क्योंकि ये नाइट में ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। यहाँ के व्यू देखो कितने प्यारे हैं, और कॉरिडोर के साइड से नदी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर फोटो सेक्शन वगैरह भी बहुत जन ले रहे हैं। बहुत ही शांति है यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे भगवानों की बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति, चलो देखते हैं।